हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? वेलकम टू टुडेज व्लॉग। स्वागत है आपका। तो अभी थोड़े तोते वत्ते उड़े हुए हालत के, एंड उठी थी मैं 9 बजे, ब्रेकफास्ट किया, अभी नहाई वहाई नहीं हूँ, सोच रही हूँ सिर धोना नहाना है। थोड़ी तबीयत अभी भी ख़राब है, ऐसे कि फुल ठीक नहीं हुई है। रात को खांसी काफ़ी थी। मेरी नेबर्स में ना पार्ट है, उनकी बेटी की शादी है, तो उससे पहले पार्ट रखा है। आज भोग है तो पापा वहाँ गए, मम्मा भी अभी बस जाने वाले हैं। मैंने सुबह सुबह काम खत्म किया है। देखो गाइस, सुबह सुबह मैंने रूम साफ करके ये सारे तह लगा दिए। इधर गंद पड़ा हुआ था, एंड ये कबर्ड रह गया हुआ था साफ करने को, तो मैंने सारा साफ कर दिया, तो ये पूरा ही साफ हो गया। को शब्द कीर्तन की आवाज आ रही होगी, तो बस यही साथ में है प्रोग्राम। हेलो गाइस, तो यार मैंने नहा वहा लिया, एंड मम्मा भी चले गए, पापा वापिस आ गए। एक जा रहा बंदा, एक आ रहा है। पापा बोलते जो भोग है ले 12:30 है। यार मैंने सिर धोना था, बट आलस बहुत बुरी चीज है, आलस आ गया मेरे को। फिलहाल कुछ नहीं पता पूरे दिन का क्या रहेगा, जैसे जैसे दिन निकलता है आपको बताते जाते हैं। क्या किया था पापा? अंता कैंची कैसे मांगेगा? फिर आपने ये क्या किया? मेरे को बेल कर दिया। तो यार थोड़े पैर सुखाऊं। सो गाइस, यार मैं तब से यहीं पे बैठी हुई हूँ, सुस्ती डाली हुई है यार। हो गया है 1:30, अभी आने वाली अर्शी, तो मैंने बोला चलो थोड़ा काम करते हैं, चीजें गर्म करते हैं। राइस बन गए हैं, एंड सैलेड भी मैं काट रही हूँ। सो गाइस, हमने कर लिया लंच, तो अर्शी भी आ गई है। चलो मिलते हैं अर्शी से, सुबह से नहीं मिलती है, इस टाइम पे मिलना होता है अर्शी से। I missed you so much. अच्छा आ गई हूँ। मैं रो भी रही थी आज, मेरे बहन दिल्ली गई, कहाँ गई कहाँ गई। इतना कोई कहाँ चली जाऊंगी, पासपोर्ट लेके थोड़ी ना चली गई थी। तुम्हें दीदी की याद नहीं आती? आ जाओ लेटे। चली गई अब, लेटूंगी उसके बाद बताती हूँ। गाइस चलो, इधर हमारा कोई काम नहीं है। चलो यार गाइस, अर्शी तो सो गई है इधर ही, मेरे को मन नहीं कर रहा आज लेटने का, सोने का। टाइम भी 3:30 हो गया, बाहर ही बैठती हूँ यार, इसकी लाइट ऑफ कर देती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई ऊपर, अर्शी नीचे सो गई थी। मेरा आज कुछ सोने का मन नहीं था यार, क्योंकि 4 बजने वाले आंटी आ जाएंगे, फिर उठना पड़ेगा, फ़ायदा नहीं था आधी अधूरी नींद लेना। शादी है यहाँ पे, यहीं पे मतलब भोग पड़ा है सुबह पाठ का, जहाँ पापा मम्मा और गए थे ना। मज़ा आ रहा है यहाँ धूप का, वैसे खुला आसमान, बस मेरा फ़ोन ही नीचे गिर जाए फिर तो नहीं बचने वाला। सुना आईफोन वैसे चल जाता है, टूटता नहीं है, बच जाता है, पर मैं उतना रिस्क नहीं ले सकती। ये देखो नीचे पूरी धूप चली गई है, इस टाइम तक सारी चली जाती है, इसलिए हम यहाँ आ गए। सो गाइज, मेरे को लगता है नीचे चलना चाहिए, क्योंकि धूप अच्छी है पर हवा भी हल्की हल्की चल रही है। शिट गाइज यार, सीढ़ियाँ उतर रही थी, नीचे कैसे जाऊँ? यार शिट, यहाँ से उतर के मैं आई ना नीचे, ये बैठी हुई है इधर, हिल भी नहीं ना रही है। देखो देखती हूँ यहाँ से कोई पत्थर वत्थर मिलेगा क्या। ये पड़ा हुआ है कुछ, पर ये उसको बजेगा ही नहीं यार, ये तो मसला हो गया, मैं ऊपर ही फंस गया। हाय गाइस, अभी तक बैठी है, हाय हिल नहीं रही, क्लियर नहीं आ रही, पर इधर ही है। हाय लास्ट पत्थर रह गया मेरे पास, अब नीचे कैसे जाऊं? जा यार प्लीज, चले जा यार प्लीज, इधर ही फंस गई हूँ यार, अब इसका कैसे वेट करूं जाने का? हो सकता है घंटे बाद जाए, 2 घंटे बाद जाए, 4 घंटे बाद जाए। मैंने 5-6 पत्थर मार दिए छिपकली को, और नीचे जा ही नहीं रही है, जैसे होता ना डर के मारे हिलती है छिपकली, हिल तक नहीं रही, इतनी डीट छिपकली है यार। चले गई हो भगवान, चले गई हो भगवान, प्लीज यार, शिट यार, इधर ही बैठी थी है। लीजिए नीचे जाओ, मैं सोच रही थी इससे उसको लग जाएगी, मोटा नहीं उठाती, छोटे छोटे फेंक के देख लिए, हट ही नहीं रही है। हिल नहीं रही रास्ते से, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में हूँ, सबसे ऊपर वाले, आवाज भी नहीं जा रही यहाँ से नीचे। मैंने बुलाया पापा को, अंदर सोए हुए हैं वो, क्या करूं? देखिए मतलब मैंने भी 2-3 घंटे इतने बैठना पड़ेगा। गाइस मेरे को हो गया यहाँ पे 15 मिनट वेट करते करते, आई होप इस टाइम तक चली गई होगी। यार की प्रॉब्लम है यार, तेनू जाना इथू,
यार कोई है? कोई आ ही नहीं रहा। हेलो, आधा घंटा हो गया मेरे को छिपकली की वजह से। ऐसा ना मेरे को 3-4-5 घंटे इधर ही वेट करना पड़ जाए। इस समय ऊपर धूप काट लीती। हेलो आंटी, आंटी छिपकली है। चंगा स्यापा पै गया ये ते। इससे अच्छा रेस्ट ही कर लेती है, अर्शी के साथ सो ही जाती। गाइज मैं ऐसे आई थी यहाँ देखने, पर इधर है नहीं, कहीं चली गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं जाऊँ मेरे कपड़ों में कहीं छलांग मार दे। ये देखो इधर है नहीं अब, पर ये दूम क्यों दिख रही है मेरे को। शिट, नीचे तो नहीं चली गई नीचे वाली सीढ़ी में? हाँ इधर तक तो मैं पहुँच गई हूँ। यार अर्शी को कॉल कर रही हूँ। आगे पीछे मैडम वाइब्रेशन पे रख के सोती है, ग्रूं ग्रूं करता रहता है उसका फोन। आज जब जरूरत है तो उसका फोन ही साइलेंट पे, उठा ही नहीं रही है। 3-4 बारी कॉल कर चुकी हूँ। सिमर इधर आएगी एक मिनट, यार नीचे सीढ़ियों पे छिप कर ली है। हाँ मैं नीचे नहीं जा पा रही, इसको खुद डर लगता है यार। मैंने नीचे वाले आंटी उठी, उनको बोला कि इधर छिपकली बैठी है, इधर ही बैठी थी है। ए थर्ड वाली पौड़ी ते, थर्ड वाली मैं थल्ले नहीं आ पा रही। हमारी उस टाइम से गई मैनू पत्थर भी मारिया, हिली नहीं रही सी, ठंडी हो गई है। फाइनली आई रीच्ड सेफली, लैंडिंग हो गई मेरी सेफली। वो जो आंटी लेटे हुए थे ना, सोए थे, वो उठे ना अभी। मैंने आंटी को बोला मजबूर है कि आंटी मैं छिप के लिए नीचे, मैं नीचे नहीं आ पा रही। फिर वो अंकल आए अंदर से, उन्होंने भगा के बाहर निकाल के, कहते ठंडी हो गई थी इस करके नहीं हिल पा रही, पर छलांगे मार रही है। अंकल ने बाहर निकाल दी। ये देखो भाई सारे सोए हैं, इधर भी सोए हैं, मैंने इसलिए इनको उठा कर नहीं। इधर भी सोई है अर्शी, पर कोई भी नहीं आया मेरी हेल्प के लिए। सो गाइस अभी आ गई है चाय, एंड चाय आज मैंने नहीं बनाई, मम्मा ने बनाई। मुझे छिपकली ने झट अरेस्ट कर लिया था, और तुम मुझे बचाने नहीं आई। मैं पौना घंटा ऊपर ही वेट करती रही, तुम्हें फोन भी किया तुमने उठाया ही नहीं। मैं सो गई थी, तुम फंस गई थी बहुत। तो क्यों के छिपकली थी, पैर पूर मारती भाग जाती? नहीं मारी थी मैंने उसको, 10 पत्थर मारे। हेलो गाइज, तो यार मैं तो सोई नहीं थी, मेरे साथ जो सीन हुआ आपने देख लिया। तो गाइज एक्चुअली ना आज एक फंक्शन है जहाँ मम्मी पापा उस दिन गए थे ना, तो मैंने बताया था उनके बेटी की शादी है, तो हमारे काफ़ी क्लोज रिलेटिव हैं। तो अभी मेहंदी है उनके घर पे, आज मेहंदी का फंक्शन है। तो अभी देखते हैं किस किसने जाना है। मेरा और अर्शी का तो है कि हमने कंफर्म नहीं जाना, मतलब जाना था, मन था काफ़ी, मतलब डिसाइड भी किया हुआ था काफ़ी पहले से जाएंगे, बट अभी ना तबीयत अभी ठीक हो रही है तो अच्छे से ही ठीक हुए। मैं और अर्शी घर पे ही हैं, एंड मैं लगी हूँ भाई, सोचा कच्चा पनीर पड़ा हुआ है तो यूटिलाइज़ करें, पनीर की सब्ज़ी बना। तो मैंने पनीर काट के रख दिया है, प्याज भी काट दिया है, ये टमाटर थूम अदरक एंड सारे मसाले रेडी हैं। सो गाइस हमारी पनीर की सब्ज़ी हो गई है रेडी, धनिया के साथ प्रॉपर। सो गाइस मम्मा पापा आ गए जस्ट, मैं सोची थोड़ी देर यूकुलेले पकड़ के थोड़ा टाइम पास किया जाए। भाई अर्शी दीदी आई नहीं रही थी खाना खाने, टाइम देखो 9 बज गया है, और यहाँ डाल रही है अपने लिए सब्जी, और मैंने इसलिए गोल गोल प्यारी प्यारी 3 चपातियाँ बनाई, और अपने लिए भी। देखा दीदी कितनी केयर करती है, दे मेरी रोटी दे छोड़। हाँ कैसा रहा फंक्शन? बढ़िया रहा। आगे वापिस? कैसा रहा? सो गाइस टाइम हो गया है 10:30, मम्मी पापा भी आ गए तो वो भी बस सोने ही वाले होंगे। एंड अर्शी दीदी को देखो अंगड़ाइयाँ भी ले रही है, साथ साथ थोड़ा पढ़ भी रही है, तो मैंने सोचा वो गुड नाइट बोल दे। गाइस आज का व्लॉग ऐसे ही था, आज मुझे छिपकली ने बहुत डराया, आज पूरा दिन छिपकली को भगाते ही चला गया मुझे। फाइनली अंकल आए तो भाग गया, इतनी डीट सी चली रही थी। अंकल बोलते इसको ना ठंड लगी हुई है, इसको ब्लोर के आगे रख के सुखाना पड़ेगा, पता नहीं गिल्ली होती सी,
ठंड लगी थी तो ये नहीं ले कर दी। फाइनली अच्छे से मैं नीचे आ गई, बच गई। वो तो उठी नहीं हेल्प करने वास्ते, सुती सी घोड़े बेच के आई यार तू बातू भी। तो गाइज ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहो। कल जाना है मुझे बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए, बताऊंगी कल ही। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, सबके लिए खुश रहिए, खुश रखिए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।